Hello friends, today we will discuss on defects in crystal structure, or we can say it's an imperfection in crystal. जैसे ही ये टॉपिक का नाम है डिफेक्ट्स या इनपरफेक्शन, दैट मीन्स कि जो भी क्रिस्टल है या जो भी मटेरियल जो भी क्रिस्टल से बने हुए हैं, देयर आर सम डिफेक्ट्स और इनपरफेक्शंस, उसमें कुछ गलतियां हैं, गलतियां इन द सेंस के कुछ प्रॉब्लम है या वो परफेक्ट नहीं है. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स. मेनली डिफेक्ट्स आर क्लासिफाइड इन फोर डिफरेंट कैटेगरी. नंबर वन, दैट इज पॉइंट डिफेक्ट. नंबर टू इज अ लाइन डिफेक्ट्स, और वी कैन से इट्स अ डिसलोकेशन. थर्ड वन इज द सरफेस डिफेक्ट्स, एंड द लास्ट वन इज वॉल्यूम डिफेक्ट्स. बट आउट ऑफ दिस फोर, वेरी इंपॉर्टेंट दैट वन, पॉइंट डिफेक्ट्स, लाइन डिफेक्ट्स एंड सरफेस डिफेक्ट्स. नाउ वी विल सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स. इन पॉइंट डिफेक्ट्स देर आर वैकेंसी, सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इम्परफेक्शन प्रेज, या वी कैन से फ्रेंकल डिफेक्ट्स एंड स्कॉटकी डिफेक्ट्स. जो पॉइंट डिफेक्ट है उसके भी अलग अलग चार टाइप्स है. नंबर वन है वैकेंसी, दूसरा है सब्स्टिट्यूशनल, तीसरा है इंटरस्टिशियल, एंड चौथा है इम्परफेक्शन पेयर्स. इम्परफेक्शन पेयर्स के दो पार्ट है, फ्रेंकल एंड स्कॉटी. नाउ वी विल डिस्कस द वैकेंसी डिफेक्ट. जैसे वैकेंसी जो नाम है वो ही बताता है कि कुछ उसमें मिसिंग है. जैसे मान लो कि हम बोलते हैं कि ग्लास इज वैकेंट, मतलब ग्लास में कुछ नहीं है. सेम वे इन क्रिस्टल, ए वैकेंसी इज अ टाइप ऑफ डिफेक्ट इन ए क्रिस्टल वेयर एन एटम इज मिसिंग फ्रॉम वन ऑफ द लैटाइस साइट. कोई भी एक साइट है लैटाइस का, या जैसे हम बोलते हैं ना कि लैटाइस क्या है, सो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एटम्स. तो एटम जो भी है वो कोई एक जगह पे, जैसे एटम्स क्या है, एक के ऊपर एक होता है, एक के नीचे भी होता है, एक के लेफ्ट साइड में भी होता है, एक के राइट साइड में भी होता है. तो आउट ऑफ दिस ऑल कोई एक जगह पे एटम मिसिंग है, उसको हम क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट. क्रिस्टल इनहेरेंटली पजेस इम्परफेक्शन, समटाइम्स रिफर टू एज क्रिस्टलाइन डिफेक्ट. ये वैकेंसी डिफेक्ट है उसको हम क्रिस्टलाइन डिफेक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें ये जो डिफेक्ट है वो क्रिस्टल के अंदर है, और ये क्रिस्टल के अंदर जितने भी एटम्स है जो उसके प्लेन्स है उसमें से कोई एक जगह पे कोई एक एटम मिसिंग है, तो उसको हम वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं. ये उसका मैंने फिगर दिखाया है. जैसे आप देख सकते हो जो स्क्वायर बनाया हुआ है उसमें सेंटर में एक एटम नहीं है, वहाँ पे एरो करके लिखा है वैकेंसी. या ब्लू वन जो नीचे वाला फिगर है उसमें आप सर्कल के अंदर एक एटम मिसिंग है, उसको हम बोल सकते हैं वैकेंसी. नेक्स्ट वन इज द सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट्स अकर्स व्हेन द ओरिजिनल एटम इन द लैटाइस साइट ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रिप्लेस्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ एटम. जैसे हम क्रिकेट में बोलते हैं कि कोई एक प्लेयर इंजर्ड होता है तो उसका सब्स्टिट्यूट आता है, सेम वे ये नाम जो बता रहा है कि सब्स्टिट्यूट मतलब कोई भी जो क्रिस्टल है उसके अंदर एक एटम निकल जाता है. अगर निकल गया और दूसरा नहीं आया तो वो वैकेंसी डिफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि दूसरा एक एटम आ जाता है, लेकिन वो सेम टाइप का नहीं होता है, दूसरे टाइप का है. जबकि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है कि उसका ही एटम आता है. फॉरेन एटम शुड ऑक्यूपाई द लैटाइस साइट ओनली एंड नॉट द इंटरस्टिशियल पोजीशन. द फॉरेन एटम मे बी ऑफ द सेम साइज और डिफरेंट, मतलब जो एटम जो ओरिजिनल है उससे सेम साइज का भी होता है
या डिफरेंट साइज का भी है, डिफरेंट मतलब उससे छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड फॉर एन एटम, द नेबरिंग एटम्स में रिमेन आइदर इन टेंशन और इन कॉम्प्रेशन। अगर जो एटम जो नया आया है वो बड़ा है तो रिमेनिंग एटम टेंशन में रहेगा, और छोटा है तो वो कॉम्प्रेशन में रहेगा। जैसे हम जो फ्रेंड्स होते हैं, कोई बहुत ताकत वाला होता है तो हम लोग टेंशन में रहते हैं कि साला ये कहीं पे मार देगा, लेकिन छोटा है तो हम टेंशन में नहीं रहते। सेम वे ये सब्स्टिट्यूटल इफेक्ट और इंटरस्टिट्यूटल इफेक्ट्स में होता है। ये मैंने उसका फिगर दिखाया हुआ है। जैसे सब्स्टिट्यूटल इफेक्ट में क्या हुआ है कि जो ब्लू रंग के जितने भी ओरिजिनल एटम है, सेंटर में एक मरून कलर का एटम आया है। अगर वो नहीं आता तो वो डिफेक्ट्स क्या कहलाती, वो डिफेक्ट्स कहलाती वैकेंसी डिफेक्ट, लेकिन यहाँ पे आ गया है। और जो राइट साइड में जो फिगर है उसमें जो रेड एटम्स है वो ओरिजिनल एटम्स है, जबकि जो ग्रीन एटम है वो छोटे वाले एटम, मतलब ये क्या रहेगा, ये कॉम्प्रेशन में रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिटियल एटम्स या इंटरस्टिटियल डिफेक्ट्स। नेक्स्ट वन इज द स्कॉटी डिफेक्ट्स। स्कॉटी डिफेक्ट्स क्या होता है, तो स्कॉटी डिफेक्ट्स अकर्स इन दोज आयोनिक क्रिस्टल्स वेयर द डिफरेंस इन साइज बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज स्मॉल। कैटायन और एनायन की साइज डिफरेंस में बहुत कम होता है तभी ये स्कॉटी डिफेक्ट होता है। द स्कॉटी डिफेक्ट्स बोथ कैटायन एंड एनायन लीव द सॉलिड क्रिस्टल। ये उसका मैंने नेक्स्ट स्लाइड में उसका फिगर दिखाऊंगा। जबकि फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, फ्रेंकल डिफेक्ट्स यूजुअली अकर्स इन दोज आयोनिक क्रिस्टल वेयर साइज ऑफ एनायन इज क्वाइट लार्ज एज कम्पेयर टू डेट ऑफ कैटायन। इन फ्रेंकल डिफेक्ट ओनली द स्मॉलर आयन कैटायन लीव्स द ओरिजिनल लैटिस साइट। मतलब कैटायन है वही उसका ओरिजिनल लैटिस साइट को छोड़ता है, वेयर एनायन रिमेन्स इन द ओरिजिनल। एनायन जो है वो क्रिस्टल को नहीं छोड़ता है, कैटायन ही उसको छोड़ता है। ये उसका मैंने फिगर दिखाया हुआ है स्कॉटी डिफेक्ट्स एंड फ्रेंकल डिफेक्ट्स का। ये जो फिगर है उसमें सब फिगर मतलब वैकेंसी भी है, इंटरस्टिटियल भी है, सब्स्टिट्यूशनल भी है, फ्रेंकल भी है, और स्मॉलर आयन जो सब्स्टिट्यूशनल है उसका भी फिगर एक कम्बाइंड फिगर है। सो आप ये फिगर याद रखोगे तो उसमें आपको सब जितने भी पॉइंट्स डिफेक्ट्स है उसमें वो आ जाता है। दूसरा डिफेक्ट है लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट में जैसे हमने पॉइंट्स डिफेक्ट्स का भी अलग अलग कैटेगरी देखा, सेम वे लाइन डिफेक्ट्स में भी अलग अलग कैटेगरी होती है। एक तो एज डिसलोकेशन होता है, दूसरा स्क्रू डिसलोकेशन होता है, और थर्ड वन इज द मिक्स डिसलोकेशन। ये लाइन डिफेक्ट्स में जो एज लोकेशन है वो क्या है, एक मैं आपको सबसे पहले आपको फिगर दिखाता हूँ तो फिगर में आपको ज़्यादा पता चलेगा। जैसे ये जो क्रिस्टल्स का जो प्लेन है उसमें आप सेंटर वाला एक प्लेन है जिसमें मैंने ब्लू रंग दिया हुआ है, वो क्या दिखाता है, वो एक प्लेन का एक लाइन बीच में से टूटा हुआ है, उसको हम एज डिसलोकेशन बोलते हैं। जैसे क्रिस्टलाइन मटेरियल कंसिस्ट ऑफ ए रेगुलर एरे ऑफ एटम्स अरेंज इनटू ए लैटिस प्लेन्स। जैसे मैंने जो 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 तो हाफ वन था ब्लू वन वाला था उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में वो कंप्लीट प्लेन थे, लेकिन एन एज डिसलोकेशन इज अ डिफेक्ट वेयर एन एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम इज इंट्रोड्यूस मिडवे थ्रू द क्रिस्टल। जो सेंटर में जो आधा जो आया हुआ है वो नया आया है, मतलब उसमें जो वैकेंसी और उसमें क्या होता था एटम्स चले जाते थे, यहाँ पे एज डिसलोकेशन में क्या आया, पूरा के पूरा एक प्लेन आधा वो नया है, वो क्या करेगा, डिस्टोर्टिंग द नियर बाय प्लेन्स ऑफ एटम्स। वो जो नया आ गया है वो आजू बाजू वाले को डिस्टर्ब करता है। जैसे फिर से आप फिगर देखें तो उसमें जो पहला दूसरा तीसरा चौथा प्लेन लेफ्ट साइड में और चौथा प्लेन राइट साइड में, उसके बीच में एक आधा प्लेन इंट्रोड्यूस हुआ है, उसको क्या बोलेंगे हम, एज डिसलोकेशन बोलेंगे। ये उसका दूसरा फिगर है जो एज डिसलोकेशन का मैंने दिखाया हुआ है। स्क्रू
डिसलोकेशन। स्क्रू डिसलोकेशन क्या होता है? तो स्क्रू डिसलोकेशन कैन बी विजुलाइज बाई कटिंग ए क्रिस्टल अलोंग ए प्लेन एंड स्लिपिंग वन हाफ अक्रॉस द अदर बाय लैटाइस वेक्टर। आप फिगर देखेंगे तो उसको आपको ज़्यादा पता चलेगा। द हाफ फिटिंग बैक टूगेदर विदाउट लिविंग ए डिफेक्ट। इफ द कट ओनली गोज पार्ट वे थ्रू द क्रिस्टल एंड द स्लिप द बाउंड्री ऑफ द कट इज ए स्क्रू डिसलोकेशन। जैसे मैंने ये फिगर में दिखाया हुआ है, एक जो लेफ्ट हैंड साइड वाला फिगर है वो परफेक्ट फिगर है, जो भी जितने भी क्रिस्टल है, जितने भी एटम्स है, जितने भी प्लेन्स है वो है। ऊपर वाला जो टॉप वाला फिगर है, जो उसमें लेफ्ट साइड में से उसके बदले अगर इस तरफ से होता है तो उसका डिसलोकेशन है। लेकिन नीचे वाला जो फिगर है उसमें परफेक्ट जो क्रिस्टल्स है उसके बदले अगर वो बीच में से हम कटिंग करेंगे और उसको आप ट्विस्ट करेंगे तो उसका स्क्रू डिसलोकेशन होता है। अभी ये मिक्स डिसलोकेशन। इन मैनी मटेरियल डिसलोकेशंस आर फाउंड वेयर द लाइन डायरेक्शन एंड बर्जर्स वेक्टर्स आर नाइदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल एंड दिस लोकेशन आर कॉल्ड द मिस डिसलोकेशन कंसिस्टिंग ऑफ बोथ स्क्रू एंड एज कैरेक्टर। ये जो मिक्स डिसलोकेशन है वो स्क्रू और एज डिसलोकेशन का मिक्सर है। उसका फिगर देखें तो जैसे ये जो जो ए वाला जो एरो है स्क्रू में लिखा हुआ है वो है स्क्रू डिसलोकेशन, और नीचे बी में जो आता है जो उसमें से आप देखो तो राइट साइड से 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ वाला जो नया प्लेन जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो पूरा नहीं है, वो आधा ही है। दैट इज़ द डिसलोकेशन। नाउ थर्ड कैटेगरी इज द सरफेस डिफेक्ट्स। सरफेस डिफेक्ट्स में क्या होता है? द सरफेस ऑफ ए क्रिस्टल कैन प्रोड्यूस डिसलोकेशन इन द क्रिस्टल। जो क्रिस्टल है उसमें डिसलोकेशन प्रोड्यूस करता है। ड्यू टू द स्मॉल स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ मोस्ट क्रिस्टल स्ट्रेस इन सम रीजन्स ऑफ द सरफेस इज मच लार्जर देन द एवरेज स्ट्रेस इन द लैटाइस। पूरे जो लैटाइस में होता है जो स्ट्रक्चर है उसमें कहीं पे स्टेप होता है, और जहाँ पे जो पूरे लैटाइस का जो एवरेज स्टेप है स्ट्रेस है वो जो स्टेप वाला जो स्ट्रेस है उससे ज़्यादा होता है, कम होता है और स्टेप वाले में ज़्यादा होता है। दिस स्ट्रेस लीड्स टू डिसलोकेशन। ये स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो क्या होता है? डिसलोकेशन होता है। द डिसलोकेशंस आर देन प्रोपगेटेड इन टू द लैटाइस इन द सेम मैनर एज इन ग्रेन बाउंड्री इनिशिएशन। जैसे मैंने ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के सरफेस डिफेक्ट्स दिखाए हुए हैं, उसका नाम है टिल्ट बाउंड्री। जैसे बाउंड्री टिल्ट हो जाती है, घूम जाती है, ट्विस्ट हो जाती है, और इट्स ए ये दोनों फिगर है, टिल्ट और ट्विस्ट दोनों का फिगर है। ये ट्विन बाउंड्री मतलब डबल बाउंड्री होती है उसका फिगर है। नाउ वी हैव टू राइट डाउन फ्यू क्वेश्चंस आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। नंबर वन, एक्सप्लेन ऑल टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स विथ स्केच। ये जो पीपीटी में जितने भी स्केच मैंने पॉइंट्स डिफेक्ट्स के दिखाए हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है स्केच के साथ में। द सेम वे लाइन डिफेक्ट्स के भी और सरफेस डिफेक्ट्स के भी। ओके, थैंक यू।